बैंकिंग सेवाएं अगले कुछ दिन प्रभावित रह सकती हैं। वेतन संशोधन की अपनी मांगों पर जोर देने के लिए सार्वजनिक बैंक के कर्मचारियों ने बुधवार से 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ AIBOC ने कहा है कि मुख्य श्रमायुक्त के समक्ष वेतन संशोधन संबंधी मांगों को लेकर सुलह कराने के लिए बुलाई बैठक किसी नतीजे पर पहुंचने में असफल रही। इसे देखते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU से जुड़ी सभी 9 बैंक यूनियनों ने हड़ताल के अपने आह्वान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बैंकों के ATM भी खाली हो सकते हैं। AIBOC महासचिव D.T. फ्रांको ने कहा कि बैठक में UFBU के नेताओं ने अपनी मांगें रखीं, जिसमें यह भी कहा गया कि मांगों पर कदम उठाने में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। 2% की पेशकश ठीक नहीं है। इसके साथ ही बैंकों के 7वें स्केल तक के अधिकारी के वेतनमानों को वेतन संशोधन बातचीत में शामिल करने की पहले से चली आ रही व्यवस्था जारी रखी जानी चाहिए है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनकी कठिन मेहनत के आधार पर वेतन मिलना चाहिए, न कि बैंकों के मुनाफे के आधार पर दिया जाना चाहिए। बातचीत के दौरान UFBU के नेताओं ने बैंकों के परिचालन मुनाफे के आंकड़ों को सामने रखा और बताया कि यह 2 गुना हुआ है। किस प्रकार प्रबंधन ने स्टाफ के खर्चों में कटौती की है और कारोबार किस प्रकार से 2 गुना हुआ है। भारतीय बैंक संघ ने बातचीत में कोई नई पेशकश नहीं की, लेकिन बातचीत जारी रखने का आश्वासन दिया। बैंक संघ ने 5 मई की बैठक में बैंक कर्मचारियों के वेतन में 2% वृद्धि की पेशकश की, जिसे कर्मचारी यूनियनों ने अन्यायपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBA के महासचिव C.H. वेंकटचलम ने कहा, मुख्य श्रमायुक्त ने कर्मचारियों के मुद्दे का समर्थन किया और बैंक संघ से सकारात्मक रुख अपनाने को कहा है। बैंक संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह संशोधित पेशकश पर विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने UFBU से अपनी मांग बताने का आग्रह किया है। बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन NOBW के उपाध्यक्ष अश्वनी राणा ने कहा कि 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पुरानी पीढ़ी के बैंक और विदेशी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी सभी 2 दिन की प्रस्तावित हड़ताल में भाग लेंगे। बैंक कर्मचारी संघों के महासंघ UFBU ने 30 और 31 मई 2018 को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के आह्वान को देखते हुए स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधनों ने पहले ही अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि है यदि हड़ताल हुई तो बैंक के कामकाज पर असर पड़ सकता है।